दोस्तों आयांश बाबू को बचाने के लिए सिंगर राकेश मिश्रा हर वो मुमकिन कोशिश कर रहे हैं जो उनसे बन पा रहा है। इतनी ज्यादा जद्दोजहद कर रहे हैं कि उनके लिए तालियां बजानी यहां बहुत ज्यादा जरूरी है। एक खास खबर हम राकेश मिश्रा साहब की बता रहे हैं, उससे पहले आप देखें इस तस्वीर को। आप देख सकते हैं कि राकेश मिश्रा जी 20 सड़क के किनारे बैठे हुए हैं और कुछ सोच रहे हैं। राकेश मिश्रा ने अपने इस तस्वीर को सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट की है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि इम्तिहान की घड़ी है, लड़ाई तो बहुत बड़ी है, दर्द की कीमत दर्द वाले ही जाने, जिनको दर्द नहीं उनको क्या पड़ी है, जीवन मांगे आयांश। जी हाँ, आयांश के लिए पैसे बटोरने की मुहिम राकेश मिश्रा जी ने छेड़ रखी है। बड़ी खबर राकेश मिश्रा जी की ये है कि आज से 5-6 दिन पहले वे मुंबई आए थे, और खास बात यह है कि मुंबई वो पटना से गाड़ी में बैठकर आए थे, यानी बाय रोड आए थे। सवाल ये उठता है कि इतने पैसे उनके पास तो है ही कि वे फ्लाइट से आ सकते हैं और अपना समय बचा सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बाय रोड मुंबई तक आए। जिसके पीछे की जो वजह हमें मालूम पड़ी है वो ये कि जहां से चले थे मुंबई तक आने के बीच कई जिलों में जाकर वे रुके हैं। उन जिलों में जाकर रुके हैं जहां पर यूपी बिहार की पृष्ठभूमि से आए हुए लोग छोटे बड़े व्यापार कर रहे हैं। उन सभी से राकेश मिश्रा जी ने जाकर मुलाकात की और आयांश के लिए मदद की गुहार लगाई है, बहुत से रकम भी जुट चुके हैं। जो खबर हमारे पास है राकेश मिश्रा द्वारा बताई गई, अब तक 6 करोड़ रुपया आयांश के लिए जमा हो चुके हैं। यहां से बाय रोड ही राकेश मिश्रा निकल भी गए हैं, परसों ही मुंबई उन्होंने छोड़ दी है। और जैसा कि उन्होंने बताया, और जो खबर है हमारी कि अभी वो अपने काम पर ध्यान नहीं है, यूपी बिहार की तरफ भी वो गए हैं, जहां पर बनारस, सुल्तानपुर, गोरखपुर, लखनऊ जैसे जिलों में जाएंगे और वहां भी जाकर कई लोगों से मिलेंगे, प्रोडक्शन हाउसेस से मिलेंगे और आयांश के लिए मदद की गुहार लगाएंगे। वह राकेश मिश्रा जी मान गए आपको, और वाकई में आयांश बाबू के लिए बहुत ही ज्यादा आप काम कर रहे हैं, और आपकी पहल ने ही भोजपुरी के दूसरे सितारों को भी मजबूर किया कि वे भी आगे आए और आयांश के लिए मदद मांगे। दोस्तों आप भी आयांश की मदद में क्या कुछ कर सकते हैं, उनका जिक्र कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नमस्ते।